पिछले दिनों आपकी कई फोटो आनी थी जिसमें आप रिटायर हो गए थे, आपके बाल थोड़े से बढ़ गए थे, आपका वजन काफी बढ़ गया था, और अगर बुरा ना माने तो आप अखिल कुमार की जगह अखिल अंकल लग रहे थे। तो एकदम से आप इतने फिट कैसे हो गए? जो पहले बॉक्सिंग की एज 34 थी, और मेरे दिमाग में भी कहीं ये था कि यार इंजरी भी इतनी हो गई है और साथ के साथ एज लिमिट भी ख़त्म ही होगी है कि भाई 32 हो चुका हूँ, एक साल मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 33 होने के बाद तो भाई अब तो हथियार डालने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आइबा ने 34 से 40 ईयर की 40 साल की उम्र के बाद, मतलब वो जो कीड़ा था वो मरा नहीं था अभी मेरे अंदर से। कोई भी काम अगर आप दिल से, कोई गलत काम भी अगर आप दिल से करोगे ना मेहनत के साथ, वो ज़रूर कामयाब होगा। मेरी सोच ये रही है कि अगर आप दिल से दिमाग लगा के बस एक चीज़ के पीछे, मतलब पागलों की तरह, एक पागलपन, एक जुनून कि हाँ यार मुझे करना है, और उस चीज़ का एक अलग ही मज़ा है कि लोग कहें कि आप ऐसा कर नहीं सकते, और फिर उनको ना बिना मतलब आवाज़ का थप्पड़ मारना, एक अलग ही एहसास होता है उसका। तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर अगर बॉक्सिंग में इंस्पायर हो आए तो अखिल कुमार से क्या सीखे, आपसे क्या सीखे वो, ऐसी क्या क्वालिटी जो आप देना चाहते हो उसको? मैं तो बस इतना ही कहूँगा भाई, जिस चीज़ की इच्छा हो उसको तन मन धन सारी चीज़ें लगा दें उसमें और लगे रहें। और बीजिंग ओलंपिक के टाइम मैंने दो लाइनें बोली थी अगर याद हो तो आपको, सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आएँ, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ना दें।